नमस्कार, मैं रजा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अयोध्या का राम मंदिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मंदिर और भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आए भी क्यों ना, मंदिर बना ही इतना सुंदर है। मंदिर के अंदर की गई नक्काशी और कलाकारी उसे और भव्य और आकर्षक बनाती है। इसी को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अयोध्या के राम मंदिर की चर्चाएं होती रहती हैं। सरकार ने भी इसे बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने सरकार के विकास की पोल खोल कर रख दी। जी हां, अयोध्या में पहली बारिश के साथ ही राम मंदिर में छत से पानी की बूंदें टपकने लगी हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या की सड़कें भी पहली बारिश में धस गई हैं, जिसको लेकर अब सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद सोमवार को पहली बार बारिश हुई। बारिश की वजह से राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। आसपास के इलाकों में जलभराव हो गया और मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और इससे गर्भगृह में पानी इकट्ठा होने का दावा सामने आते ही ये चर्चा का विषय बन गया। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी मान लिया कि बरसात के समय पानी छत से रिस कर नीचे मंदिर में आया है। हालांकि राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्र ने सफाई देते हुए कहा कि निर्माण कार्य होने के चलते वाटर सीलिंग नहीं हो पाई है, इसी वजह से पानी नीचे आया है। वहीं अब लोग कह रहे हैं कि बारिश ने भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में हार की राज खोल दिया है। बारिश से अयोध्या में हुए नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें एक प्रमुख सड़क पर हुए गड्ढे की भी तस्वीर है। ये गड्ढा सीवर के चारों ओर हुआ है। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहरी बाउंड्री गिरने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया गया है कि इसका 20 फीट लंबा हिस्सा गिर गया है। साथ ही सड़कों पर दो और गड्ढे होने का भी दावा किया गया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने इसे खराब विकास बताया और राम मंदिर की छत से पानी गिरने को बड़ी चूक बताया है। अब जाहिर है भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण कराया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा भी किया गया, लेकिन पहली बारिश ने ही भाजपा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। विपक्ष को भी भाजपा को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। पहले ही भाजपा अयोध्या में हार से शर्मिंदा है और आलोचनाओं का सामना कर रही है। ऐसे में इस बारिश ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। अब इसकी भरपाई भाजपा कैसे करती है, क्या सफाई देती है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।